सो गाइस, आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा क्लासिक 1.8 GLX। ये जो कार आप देख रहे हैं 1989 मॉडल है और ये सिडान ऑलमोस्ट 34 ईयर्स अपने कंप्लीट कर चुकी है। और अभी तक देखिए आप कितनी वेल मेंटेन रखी गई है कार। इसमें कोई भी किसी तरह का अल्ट्रेशन नहीं किया गया है अभी तक। कॉन्टेसा एक्चुअली यूके की वॉक्सॉल विक्टर FE सीरीज़ पर बेस्ड थी। वॉक्सॉल विक्टर की हेडलाइट्स अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर आया करती थी और हिंदुस्तान मोटर्स ने इसमें ड्यूल पैटर्न राउंडेड हेडलैम्प्स दिए थे जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता था। आप लोग इसमें क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइस, इसके अंदर चलते हैं कार के और आपको अंदर से दिखाते हैं कॉन्टेसा। यहाँ से लगेगी की, ओपन हो गया लॉक, डोर को खोलते हैं और देख सकते हैं आप ओल्ड टाइमर कंपनी फिटेड डैशबोर्ड, ओल्ड टाइमर ट्रिम्स और एक ग्लास वाइंडर। 1989 में पावर विंडो नहीं आया करता था कॉन्टेसा में। 94 के बाद कॉन्टेसा को अपग्रेड किया गया था फीचर्स में। और ये एस्ट्रे ओल्ड टाइमर, मेटल भी काफ़ी हैवी हुआ करता था उस समय। ये देख सकते हैं आप पूरी गाड़ी नीट एंड क्लीन रखी हुई है। चलिए इसके अंदर बैठते हैं। अल्ट्रा कंफर्टेबल है ड्राइवर सीट। देखिए आप डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं वुडन टच के साथ, काफ़ी हैवी है। एयर वेंट्स, ये ग्लो बॉक्स, काफ़ी स्पेस है डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिंपल सा। इसका स्टीयरिंग व्हील 160 की टॉप स्पीड के साथ। ये है गाइस इसकी की जो लगेगी यहाँ पर, ये लग गई की। पुरानी कारों में गाइस काफ़ी हैवी जो है कंपनी दिया करती थी चीज़ें। ये हॉर्न यहाँ पर दिया हुआ है और देख सकते हैं आप कितना प्यारा विजिबिलिटी है गाड़ी की। बोनट विजिबिलिटी आप देखिए कितनी शानदार है। चलिए गाइस पीछे की सीट पर चलते हैं और पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है कॉन्टेसा का डैशबोर्ड। कितना स्पेस है गाइस गाड़ी में और अल्ट्रा रिलायबल सीट्स है पीछे की कॉन्टेसा की। इसमें तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। जब इस कार को लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर बोला जाता है। चलिए बाहर चलते हैं और इसका इंजन देखते हैं कार का। चलिए बोनट को ओपन करते हैं और देखते हैं 1800 CC 4 सिलेंडर इसुजू पेट्रोल इंजन जो कि इसमें आया करता था 89 में। बाद में 95 के बाद कॉन्टेसा को डीजल किया गया था। इसमें 2000 CC का डीजल टर्बो इंजन दिया गया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी थोड़ा इंजन क्लीनअप मांग रहा है इसका। यह है इसका इंजन नॉइस। चलिए इसका एग्जॉस्ट सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों कॉन्टेसा को थोड़ा हाईवे पर क्रूज करते हैं और पब्लिक रिएक्शन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग हाईवे पर और देखिए अब कॉन्टेसा भी 80 की स्पीड पर क्रूज करने वाली है। यहाँ पर गाइस मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं मोबाइल बाहर ना गिर जाए। चलिए मोबाइल बाहर निकालते हैं।
स्टेबिलिटी देखिए आप हाईवे पर इस कार की। उस समय तो खैर इतने अच्छे रोड्स नहीं हुआ करते थे। कुछ इस तरीके से लोग इस कार को देखते हैं जब ये सड़क पर निकलती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको कॉन्टेस्ट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर मार दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे जल्दी।